أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداه على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام ذمہ داران جمعیت و جماعت، معزز حضرات و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वक्त की क्लत की बिना आपके सामने कुछ बातें मुख्तसर तौर पर रखने की कोशिश करूँगा हरमत साहबा और अहले बैत के नाम से आज का ये इजलास मुनाकिद है जिसकी पहली तकरीर सहबा के अजीम एहसानात केनुवान से आपने समात फरमाई हर एक तक हर पहली तकरीर दूसरी तकरीर से रिलेटेड है अगर आप पहली तकरीर नहीं सुने दूसरी तकरीर सुनेंगे तो बात समझने में बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी दूसरी सुने तीसरी नहीं सुनेंगे तो भी बात पूरी नहीं समझ में आएगी तो इसलिए बात समझनी है तो कान को ग़ौर से लगाकर कर खतीब की मुक्र की बात को सुनने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें सहाबा के हकूक़ एहसानात, सहाबा के बहुत सारे अजीम एहसानात हम पर हैं तो अब हकूक़ क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम सहाबा के बारे में क्या हम हक़ अदा कर सकें उनका तो सबसे पहली बात सहाबे के के जो फजाइल और मनाकिब हैं कुरान और सुन्नत के अंदर जितने भी फजाइल साहब के राम रिजवान मजमाइन के बारे में बयान किए गए हैं उनका सबसे पहले हमको एतराफ करना चाहिए उसको कबूल करना चाहिए सच्चे दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये पैदा होने वाले सहाबा बेहतरीन जमाना इनका इस रूए जमीन पर बेहतरीन जमाने में रहने वाले ये सहाबे किराम हैं इनको ये फजीलत हासिल है इसको मानना है नबी के बाद सबसे अफजल लोग अगर कोई हैं अंबिया के बाद इस रूए जमीन पर कोई मुकदस हस्तियां हैं तो वो साहबे के राम रिजवान मजमाइन की शख्सियात हैं इनसे मोहब्बत करना ईमान की अलामत है इनसे दुश्मनी और इनसे बोस करना कुफर की अलामत है सहाबा की फजीलतें अल्लाह तबारक ने सिर्फ कुरान मजीद के अंदर नहीं कुरान मजीद से पहले उतरने वाली किताबों के अंदर भी अल्लाह तबारक ने इन साहब के राम के सिफात का तस्करा उनकी पैदाइश से हजारों साल पहले कर दिया है अजमत साहबों पे कुर्बान जाइए इन साहबा के बारे में तौरात और इंजील के अंदर अल्लाह चबारक ने तस्करा करके बताया ये साहबा वो हैं जिनको दलील के तौर पर पेश किया कि देखो नबी के सहाबा इन सिफात से मुतसिफ हैं तो इनका नबी कैसा होगा सहाबा को देखकर इनके नबी का अंदाजा लगाओ इसीलिए आयत में कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं ये दावा है कि अल्लाह के नबी हैं दलील क्या दी दलील के तौर पर साहबा को पेश किया कि ये अल्लाह का नबी है दलील ये है कि उसके साथ रहने वालों की सिफात देखो कैसे है जो इन सिफात के हामिल लोग हैं तो उनका नबी कैसा होगा दावा और दलील इन दोनों आयत के अंदर कहा सहाबा की सिफतें यहाँ बयान की गई कि वो अल्लाह तबारक की लिए सजदा उसकी रिजा को चाहते हुए सुबह और शाम अल्लाह तबारक की राह अल्लाह के लिए सजदों में अपना सर रगड़ते हैं सीमा उमफी वजूहत चेहरों पर सजदों के निशान हैं उनके फिल तौरा मसल ये मिसालें हैं तो और इंजील में और उनकी मिसाल इंजील में ऐसी इस आयत के एक हिस्से में अल्लाह तबारा ने इस्लाम की पूरी तारीख बयान करके रख दी है पूरी तारीख कहा मिसाल देकर समझाया कि इनकी मिसाल कैसी है शफ आहबा की मिसाल खेती के मानंद है कैसे अखराजा शत आहू खेती जो है अपना कोम्पल जिसे हम मोड़ बोलते हैं मोड़ निकालती है जमीन को फाड़ कर वो मोड़ बारीक निकलता है कैसा रहता है इंतहाई कमजोर इंतहाई कमजोर रहता है अल्लाह ताला वो खेती उसको परवान चढ़ाती है फ आज रहू फस्तवा फस्तवा धीरे धीरे वो खेती उसको परवान चढ़ाती है अब वो एक दिन ऐसा आता है कि वो एक तनावर दर बनकर अपनी जड़े जमीन के अंदर छोड़कर मजबूत बनकर खड़ जाता है अब उसे कोई ताकत कोई तूफानी हवाएं उसे गिरा नहीं सकती एक मजबूत तनावर दर बनकर खड़ा हो जाता है ये मिसाल है साहब किराम की और इस्लाम की लोगों बदल इस्लाम और गरीबा इस्लाम मक्के के अंदर अजनबी हुआ शुरू हुआ था अजनबी था इस्लाम का नाम लेना इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं था ऐसे वक्त में मक्के के अंदर बिल्कुल उस मोड़ की तरह उस कोम्पल की तरह जो इंतहाई कमजोर था लोग चाहते उसी वक्त उसको दबाकर खत्म कर सकते थे ऐसी हालत में इस्लाम अजनबी शुरू हुआ कमजोर था कोई सहारा नहीं अकेले मोहम्मद ने इस दावत को लेकर मक्का की सरजमीन में आए धीरे धीरे साहब खिर रिजवान ने आपकी दावत को जो है लबे कहा धीरे धीरे वो जैसे खेती परवान चढ़ती है वो दरख्त तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाता है ऐसे मक्का के तेरह साल मदीने के दस साल के बाद आठ साल के बाद मक्का फतह हुआ और मक्का फतह होकर यह बता दिया कि यह इस्लाम का अब ऐसा तनावर दरख्त बन चुका है कि दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती मेरे मोहतरम दोस्तों ये कुत और ये ताकत इस्लाम को कहां से मिली ये और ताकत से मिली। ताला ने कहा, ही अपनी मदद से और इन मोमिन के सहारे से आपकी जो है ऐसी मदद की है इस्लाम को ऐसे गालिब कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत अब उसे जेर नहीं कर सकती मेरे महतरम दोस्तों इस एक आयत के अंदर इस्लाम की तेईस साल तारीख मुकम्मल बयान कर दी गई ये वो सहाबा हैं जिनके हक को जानना इनको पहचानना जरूरी है और जब ये ताकत मुसलमानों की बढ़ती रही मुसलमान कैसर और किसरा के ताज के मालिक हो गए और तो ताज के मालिक हुए मुसलमान दूसरे ममालिक ममालिक पर ममालिक फतह करते गए तो दुश्मनों को देखा नहीं गया दुश्मनों को देखा नहीं गया खासकर यहूद, और मैदान जंग में जब मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके मुसलमानों को हरा नहीं सके तो इन्होंने ये बात अच्छी तरह जान ली कि अब इस्लाम को हम शिकस्त तो नहीं दे सकते लेकिन इस्लाम की तालीमात को इनके अकायद में हम जरूर नकब लगा सकते हैं इनके अकायद को कमजोर कर सकते हैं इसलिए एक फिक्री खिलाफते उस्मान हज़ते उस्मान रजी ताला के खिलाफत में ही अब्दुल्ला बिन सबा अल यहूदी इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम का लुबादा ओढ़कर मुसलमानों की सफों में घुस जाता है अपने आप को मुसलमान कहकर ऐसे अकायद को मुसलमानों के अंदर रिवाज देता है हुब्बे आले बैत हुब्बे अली के नाम से ऐसे ऐसे अकाइद जो है उसने मुसलमानों के अंदर धीरे धीरे राइज किया और ये बताने की कोशिश किया लोगों को कि हजरत उस्मान हजरत उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अज़म़ाइन ये सब के सब जो है गासिब हैं जरत अली रजी अल्लाह की खिलाफत को इन्होंने छीना है नबी के बाद खलीफा हकीकत में हजरत अली होना था लेकिन ये लोग सब गासिब है लोगों के अंदर पैदा की तो ये फिक्री अलगार थी मुसलमानों पर जब वो मैदान जंग में दुश्मनों को शिकस्त देने से आजिश थे तो इस तरीके से शाम से यहाँ एक मजहब की बुनियाद पड़ी जो साहब कराम को गालियां देना साहबा को बुरा भला कहना बाद साहबा की तनखीस करना साहबा को ऐसा उनके मकाम और रुतबे से ऊंचा मकाम देना फजाइल खड़ना ये सारी चीजें जो है ये लोग करके साहब कराम रिजवान मजमाइन को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की है तो यहां से यह अब्दुल्ला बिन सबाह यहूदी जो है शेयत का बानी है यहां से शत का आगाज होता है मेरे महतरम दोस्तों ऐसी सूरत में हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम साहब किराम की इज्जत व नामोज की हिफाजत के लिए उनके मकाम और मरतबे के लिए उठ खड़े हों और उनके हकूक क्या हैं सबसे पहले हम उसको जाने तो इसलिए सबसे पहले सहाबे के के फजाइल और मनाकब क्या हैं इसको अपने दिल से सच्चा जानकर इस पर हम कारबंद रहें दूसरी चीज दूसरा हक हमारे ऊपर जो सहाबे के राम रिजवान मजमाइन का बनता है वो ये कि हम सहाबा से मोहब्बत करें इन फजाइलो मनाकब को जानने के बाद एक मुसलमान के अंदर फितरी तौर पर यह जज्बा जज्बे मोहब्बत पैदा होता है और पैदा होना चाहिए कि हम सहाबा से जो है मोहब्बत करें मुख्तसर में इमाम तहावी का खौल नकल करते हुए जिन्होंने बही अच्छी उसूली बातें की हैं कहाब असहब रसूल वुर वी हम सहाबे साहब किराम रिजवान से जो है हमारा अकीदा है कि हम मोहब्बत करते हैं उनमें से किसी को हद से ज्यादा बढ़ाते नहीं और किसी को हद से ज्यादा घटाते नहीं जिसका जो मकाम है उसका उस वो मकाम देंगे जिसका जो हक है वो हक देंगे ऐसा नहीं कि अबू बकर का हक अली को दिया जाए अली का हक जो है अबू बकर को दिया जाए नहीं वाल फीब अदिम किसी की मोहब्बत में हम जो है गुलू नहीं करेंगे वालान तबर्राउमिन और हम किसी से बरात का इजहार भी नहीं करेंगे शिया के पास ये अकीदा है कि ये बात उनके सामने कहनी है कि अबू बकर जालिम थे उमर जालिम थे उस्मान जालिम थे ये बरात का ऐलान इनसे करना है ये उनका अकीदा था उस अकीदे पर रद्द करते हुए इमाम तहावी ने कहा कि हम जो है किसी से बरात का ऐलान नहीं कर सकते शाहबास जो सहाबा से दुश्मनी रखता है हमारी दुश्मनी उस इंसान से है ना हक कभी नहीं करेंगे सहाबा के बारे में कोई ना हक बात हमारी जबानों से कभी नहीं निकलेगी वह दीन उन व ईमान उनकी मोहब्बत हाबा की मोहब्बत आन जो है दीन है ईमान है एहसान है वह बोज हम कुफरन व निफाक वहाबा का कुफर करना सरकशी है कुफर है निफाक है तो मेरे मोहतरम दोस्तों इमाम मालिक रही महिला के बारे में आता है कहते हैं काना सलफ ना बी बकर व उमर हज़रत इमाम मालिक कहते हैं कि हमारे असलाफ अबू बकर और उमर की मोहब्बत करना अपनी औलाद को सिखाते थे कि उमर से अली मोहब्बत करो उस अबू बकर से मोहब्बत करो उमर से मोहब्बत करो उस्मान से मोहब्बत करो बिल्कुल वैसे ही सिखाना जरूरी समझते थे जैसे मजीद की तालीम देना जरूरी समझते थे इससे आप अहमियत का अंदाजा लगाइए हमारे साहब के मकाम और मरतबे को जान कैसे जानते थे अपनी औलाद को तालीम देते थे कि लोगों अपने बच्चों को ये तालीम देते थे कि वो जो है साहब किराम रिजवान मजमाइन से मोहब्बत करें सिखाए इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयत-ul-ईमान बगز-ul-अंसार अंसार से मोहब्बत ईमान की अलामत है अंसार से बोज करना मुनाफिकों की अलामत है इसीलिए मोमिन हमेशा बाद में आने वाले मोमिन अल्लाह ताला से इन सहाबा और असलाफ किराम के लिए दुआएं करते हैं <गताँगा> लना वली बाद में आने वाले मोमिन अपने सबका मोमिन भाइयों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह अल्लाह इनके गुनाहों को माफ फरमा वजू बिना अमनो और इनके बारे में हमारे दिलों में जर्रा बराबर कीना कपट ना पैदा फरमा कितनी बेहतरीन दुआ एक मोमिन बंदा अपने मोमिन बंदों के लिए करता है तो ये तालीमात हैं और तीसरा हक सहाबे के राम के लिए तफाजुल सहाबा का एहत साम रिजवान सारे सहाबा एक दर्जे के नहीं जैसे सलाम एक दर्जे के नहीं तिलकर के हमने को एक पर अता की है अल्लाह जैसे अंबिया को फजीलतें दी हैं ऐसे ही साहब की राम रिजवान को भी अल्लाह चबारा ने फजीलतें दी हैं अल्लाह के नबीम ने आदीश में इन सहाबा के मकाम व मरतबे को बताया है इसलिए जैसे कुरान और सुन्नत में नुसूस वारिद हुए हैं इस तरतीब के साथ सहाबा को उनका मकाम देना उनको फजीलत देना यह बहुत जरूरी है सारे सहाबा जन्नती सारे सहाबा की अपनी जगह फजीलत लेकिन सारे सहाबा में सबसे बड़ा मकाम किसका कहा कि मुहाजिरीन का उसके बाद अंसार का उखरीजोम बिह ये वो लोग हैं मुहाजिर, जिन्होंने अपना माल अपना घर अपने रिश्तेदार सबको छोड़कर मक्का से मदीना हिजरत करके गए ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी इसलिए मुहाजिरीन का मकाम ऊंचा और उसके बाद अंसार का अंसार कौन है मदीने के बाशिंदे जिन्होंने ईमान वालों को पनाह नहीं दी बल्कि ईमान को पनाह दी वल इनका ऐसा इस्ते कोई अपने सगे भाई का भी इस्ते नहीं करता जितना महाजरीन को मकाम और मरतबा फैमिली मेंबर बना लिया अनसार ने ईमान को पनाह दी अल्लाह ने कहा ईमान को इन्होंने पनाह दी और इसके बाद बदर में शरीक होने वाले साहबा का इसके बाद वहद में शरीक होने वाले का मकाम ऊंचा उसके बाद अहज़ाब में शरीक होने वाले उसके बाद बयात रिजवान में शरीक होने वाले उसके बाद फरमाया फतह मक्का में शरीक होने वाले अल्लाह ताला ने कहा, وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى يا صحابة وهي जिन्होंने इस्लाम को जब जरूरत थी इस्लाम की خدمت की जब जरूरत थी ये वो सहाबा हैं जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की हाँ हम भी कोई जमात बनाते हैं कोई तहरीक और तंजीम बनाते हैं तो बानी जो उसका होता है शुरू में उसके उस पर मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं उनका मकाम और मरतबा ऊंचा होना चाहिए क्यों इसलिए कि उस तहरीक को बढ़ाए उसको आगे बढ़ा कर ले गए बाद में आने वाले तो लोग यदलू नफीदीन अफवाजा के तहत सब लोग आते जाएंगे लेकिन मकाम और मरतबा किसका है मकाम उन लोगों का है जिन्होंने अरब की पथरेली जमीन पर घसी जो घसी गए ऐसे लोगों का मकाम है इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे बड़ा मकाम इनका है फिर सहाबा के मकाम के बाद सारे सहाबा में कौन अफजल हैं राशिदीन अबू बकर उमर उस्मान अली रजी अल्लाह मजमाइन ये सारे सहाबा सबसे ज्यादा अफजल हैं फिर इन सहाबा के बाद और ये भी अकीदा रखना के खिलाफत के मुस्तक यही लोग थे जिस तरतीब के साथ हैं ये तरतीब सहाबिर की जो खिलाफत की तरतीब है यह बिल्कुल सही तरतीब है इसके बाद किसका मकाम अशर मुबशरा जिन्हें अल्लाह के नबी वसल्लम ने दुनिया में दस वो सहाबा हैं जिनको आपने खुशखबरी सुनाई अब्दुलरमान बिन ऑफ जुबैर बिन अवादी वक्स अबू उबैदा सईद बिन सईद सबका नाम लेकर अल्लाह के वसल्लम ने कहा ये लोग जन्नती हैं ये लोग जन्नती हैं ये लोग जन्नती हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने ये मकाम दिया मेरे महतरम दोस्तों इसलिए जो फजीलतें जिन सहाबा को हैं वो फजीलतें उनको दें हजरत अली का का मकाम जो है हजरत अली को हजरत ऊस्मान का जो मकाम है वो हजरत उस्मान को हजरत अबू बकर जो मकाम है वो मकाम उनको ये फजीलत शरी हमारी शरीयत ने हमें बताई नबी करीम ने बताई फिर इसके बाद चौथा हमारा हक साहब के राम पर यह बनता है सहाबा के दरमियान कुछ इख्तलाफा हुए कुछ लड़ाइयां आपस में हो गई और ऐसी सूरत में हम इन लड़ाइयों के बारे में इन सहाबा के आपसी इख्तलाफ के बारे में अपनी जबान को खामोश रखेंगे जबान नहीं खोलेंगे कि वो ऐसे थे वो वैसे थे उन्होंने ऐसा किया इनकी गलती है उनकी गलती नहीं हमारा अकीदा है कि हम सहाबे के राम रिजवान के बारे में खामोशी इख्तियार करेंगे और ये अकीदा रखेंगे कि वो अपनी जगह मुश्तिद थे और मुश्त इश्तेद करने वाला उसे अल्लाह तला की जानब से अजर सवाब है अगर सही है तो दो अजर मिलेगे गलती पर है तब भी एक अजर उसे जरूर मिलेगा तो साहब अपने इन, इन इख्तलाफा के बावजूद वो थे माज़ूर हैं अल्लाह उन्हें जरूर जो है अजर अता करेगा तो ए कुछ हालात ऐसे आए सियासी हालात जैसे जंग जमल वगैरह में साहब कराम एक दूसरे के आमने सामने हो गए तो इन सब मसाइल में हम अपनी जबान को खामोश रखना पड़ेगा इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज रही कहते हैं दिल का दिमाउन तहर अल्लाह यदि मिन्हा ये ऐसा खून है जिसके जिससे अल्लाह ताला ने मेरे हाथ को पाक रखा है फलाबन अखजिब लिसानी फी और मैं अपनी जबान को इन बातों में पढ़कर गंदी करना नहीं चाहता ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रही साहबा के बारे में खामोश रहना सुकूत इख्तियार कर और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है वनकुफिक हम सहाबा के बारे में जिक्र करेंगे तो भला जिक्र करेंगे कभी उनका बुरा जिक्र नहीं करेंगे ये हमारे अकीदों में शामिल है मौलाना मौदूदी जो जमात इस्लामी के बानी है उन्होंने एक किताब लिखी खिलाफत व मुलूकियत जिसके अंदर उन्होंने ऐसे रास्ते पैदा कर दिए जहां साहब कराम को तानो तशनी की जा सके मेरे मोहतरम दोस्तों फितने के दरवाजे खुल गए इससे शिया की हिम्मतें बढ़ गई कि अहले सुन्नत में से एक ऐसा इंसान पैदा हो गया जो हमारे मौकफ़ की तयद करता है तो मेरे महतरम दोस्तों हजरत ओसमान के बारे में हजरत अमीर माविया के बारे में इन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो किसी सहाबी की शान में नहीं कहे जा सकते इसलिए हमको जरूरी है कि हम सहाबा के फैसलों के बारे में खामोशी इख्तियार करें और जो पांचवा हक ये है कि जो अहले बिदत अहले हवा जो शिया हैं इन्होंने अल्लाह के नबी के सहाबा को बदनाम करने के लिए झूठे मन घड़त वाकियात को पेश करके उनकी इशात करने की हद दर्जे कोशिश की है ऐसी सूरत में हमारा हक यह बनता है कि ऐसी चीजों की इशात नहीं करें ऐसी चीजों पर ब्रेक लगाएं जो हमारे सहाबा को की तोहिन का सबब बनते हो ऐसा लिटरेचर ना फैलाएं जो महज तारीख की बुनियादों पर लिखकर बांटा जा रहा है इस सिलसिले में शिया का बड़ा ही बुरा किरदार है हजरत अली रजी अल्लाह तहो की मोहब्बत में हजरत अली को इतना ऊँचा मकाम दिया ऐसे मन घड़त वाक़ात बयान किए जिससे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजील्लाहों की शान में गुस्ताखी हो जाए उनके मकाम और मरतबे में कमी वाक हो जाए ऐसी हरकतें शिया हजरात ने की हैं इसलिए कोई भी इस तरह की जो तारीखी गलत झोटी रिवायात हैं नशर वशात नहीं करेगा तारीख में रद्ब याबिस है सही भी है गलत भी है तारीख की बुनियाद पर कोई फैसला हम नहीं कर सकते जबकि हमारे पास कुरान की सच्ची शहादतें मौजूद हैं कुरान के होते हुए तारीख पर हम भरोसा करके साहब किराम रिजवान की जाते अकदस पर अगर हम हर्फ उठाते हैं तो फिर या तो समझ लो कुरान गलत है या फिर हम अपना आकीदा बदल लें क्यों साहब रिजवान ऐसे तो नहीं थे मजीद जब उतर रहा था रसूलुल्लाह जब मौजूद थे तो ये बहुत अच्छे थे जैसे ही नबी का इंतकाल हुआ नबी करीम इस दुनिया से चले गए तो ये वहदा व मनसब की लालच में आपस में लड़ने लगे ऐसा हो सकता है नहीं ये जो है सहाबा पर बहुत बड़ा इल्जाम और दूसरा इल्जाम कुरान मजीद पर आएगा कि कुरान ने उनकी सदाकत बयान की है उनकी अमानत और उनकी दियानत की जो है शहादत दी है और आज ऐसे लोगों के ईमान का और उनके कुफर का मसला जेर बहस लाया जा रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों साहब के राम रिजवान के बारे में जो शहादत दी है अल्लाह ताला ने वो बड़ी सच्ची बहरहाल छठी बात यह है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के ये जो सहाबा हैं इनकी मुताबात इनकी पैरवी करना हमारे लिए जरूरी है इनका तरीका इनका मनहज इख्तियार करना हमारे लिए जरूरी है अल्लाह तआला ने सहाबा के ईमान को मेयार बताया कहा सहाबा जैसा ईमान लाए हैं अगर ऐसा ईमान अगर तुम लाते हो तो कामयाब

मेरी उम्मत त्रेहत्तर फिरकों में बैठेगी यहूद बने इसराइल बहत्तर में बैठी मेरी उम्मत त्रेहत्तर में बटेगी सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के साहबा ने पूछा वो कौन कहा मैं और मेरे सहाबा के जो तरीके पर चलेगा मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर चलेगा वो इंसान जो है जन्नत में जाए आओ सारी इंसानियत के लिए सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये दावत है कि वो सहाबा के राम को अपना पैरोकार बनाए अपना नमूना और उसवा बनाए रसूलुल्लाह की जिंदगी को उसवा बनाए अपने अखीदे में सुलूक में अखलाक में आदात में अतवार में सहाबा जैसे थे वैसे अगर बन जाओ तो सारे इख्तलाफा जो है खत्म हो जाएंगे मेरे मोहतरम दोस्तों आखिरी बात जो मैं आपके सामने करनी है वो है शिया का अखीदा ये था साहबे के राम को लानो तान करना उनको बुरा भला कहना उनको गालियां देना उन्होंने ये घड़ा जो साहबा को बिलखसूस अबू बकर उमर को, जिस ख़दर गालियां देगा वो अल्लाह उतना ही मुकरब बंदा बनेगा ये अखीदा बायदा जो है उन्होंने घड़ा है अपनी किताबों के अंदर ये अखीदा घड़ के सहाबे के राम को गालियां देना सब वतम करना ये उनका मामुल था

जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा जो उनसे बख्श करेगा वो मुझसे बख्श करेगा और जो उनको तकलीफ देगा उसने मुझे तकलीफ दी और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी और जिसने अल्लाह को तकलीफ दिया अल्लाह ताला उसे अपनी गिरफ्त में लेकर छोड़ेगा तो मेरे मोहतरम दोस्तों यहां सहाबे किराम को तकलीफ देना गोया दीन की बुनियादों को हिलाना है क्यों इसलिए कि ये सहाबा वो थे जिन्होंने दीन की हिफाजत की है शिया शिक का हमारे अहादीस मजीद ये सब किसका किस सहाबे की बुनियादों पर खड़ा है सहाबा को अगर आप गलत बना देंगे सहाबा झूठे अगर आप साबित कर देंगे तो फिर कुरान और सुन्नत की पूरी बुनियाद इस्लाम की बुनियाद गिर जाएगी इसलिए दुश्मन की यह चाल है साहबा को बदनाम करो खुद ब खुद खुरान खत्म हो जाएगा खुद बखुद हदीस खत्म हो जाएगी इसलिए अल्लाह के नबीम ने कहा ला तसुबु मा बलग मुद वला मेरे, सहाबा, मेरे लोगो मेरे साहबा ने एक सार्च अगर किया है या आधा सा खजूर भी उन्होंने खर्च किया है बहुत का पहाड़ भी तुम खर्च करके उनके सवाब को नहीं पहुंच सकते हैं ये साहब कराम का मक़ाम है ये हकूक़ हैं जिनको हम जो है इख्तियार करना चाहिए अल्लाह तबारा को से दुआ है कि अल्लाह ताल हमें साहब कराम के हक़ूक़ को समझने की तोफ़ीकदा फ़रमाए आमी उलई का रबीम व उलई का हमलमतून व आखिर दावानी रबीआलम